नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने घोषणा की थी 16 अगस्त को खेला होबे दिवस के तौर पर मनाएगी। प्रस्ताव विवादों में घिर गया था, लेकिन तृणमूल ने अपना फैसला नहीं बदला। विवाद इसलिए था क्योंकि 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग की डायरेक्ट एक्शन डे का भी यही दिन था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनकर ने ट्वीट किया था, पीस एंड हार्मनी आर वाइटल टू फ्लरिशिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ऑल स्टेप्स दैट हैव पोटेंशियल टू जेनरेट डिविसिवनेस इन सोसाइटी मस्ट बी कंटेन्ड, एक्सपेक्ट ममता ऑफिशियल टू राइज ओवर पार्टीजन स्टैंड्स एंड टेक अर्जेंट कॉल रिगार्ड्स खेला होबे विद पब्लिक इंटरेस्ट इन माइंड। मैं 16 अगस्त के खेला होबे दिवस के रूप में मनाने के फैसले के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, उस पर टिप्पणियां नहीं होंगी। ऐसे भी ये बात पुरानी हो चुकी है और इसका क्या इंपैक्ट कंटेम्पररी पॉलिटिक्स पर होगा वो बात अलग है। लेकिन मैं बात करूंगा कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या था और भारतीय इतिहास पर इसका क्या इंपैक्ट और महत्व है। बहुत लोगों का विचार है डायरेक्ट एक्शन डे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की टर्निंग पॉइंट थी, जो अंततः भारत के विभाजन का कारण बना। आप जानते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान बनाने के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया था। इसे हम सब लोग लाहौर रेजोल्यूशन के तौर पर कॉमनली रेफर करते हैं, क्योंकि यह रेजोल्यूशन उस शहर में पास हुआ था। हिस्टोरियन राकेश बतब्याल रोट इन हिज बुक कम्युनलिज्म इन बंगाल फ्रॉम फेमिन टू नोआखाली 1943 to 47, The provincial election in 1945 and 46 had demonstrated that Jinnah and the League commanded unchallenged space among the Muslims in the country. Jinnah, by convening a meeting of legislators, had strengthened himself further. Any call by him now was a call from the position of strength. मुस्लिम लीग की डायरेक्ट एक्शन का आह्वान, उसके रूट्स जो हैं वो हमको कैबिनेट मिशन के भारत के दौरे पर मिलते हैं। 22 जनवरी 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजने का फैसला किया था। 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने इस फैसले का घोषणा किया था। हाउस ऑफ कॉमन्स में किए गए अनाउंसमेंट के बाद 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन का कार्य ब्रिटिश क्राउन से भारत को सत्ता डिवॉल्व करने के तरीके और प्रोसेसेस खोजना था। चुनौती इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का और एक नया संविधान तैयार करने की व्यवस्था। बातचीत बुनियादी सवाल पर अटकी, विल इंडिया रिमेन यूनाइटेड और विल द ब्रिटिश एंड द कांग्रेस एंड द अदर पार्टीज बो और एक्सेप्ट द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान। ऑन द 15th of March 1946 एटली डिक्लेयर्ड द माइनॉरिटी विल नॉट बी अलाउड to place a veto on the progress of the majority. Eventually,
16 मई 1946 को कुछ बातचीत करने के बाद कैबिनेट मिशन ने अंतरिम सरकार के गठन की योजना का एक प्रस्ताव रखा। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य पार्टीज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कैबिनेट मिशन ने यह प्रपोज किया। दिस प्लान गेव द कांग्रेस वन मोर सीट देन द मुस्लिम लीग। कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश भारत को तीन खंडों या फिर समूहों में विभाजित करने का फैसला किया, ए, बी और सी। खंड ए में मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस और उड़ीसा शामिल थे। ग्रुप बी में पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और ब्रिटिश बालूचिस्तान शामिल थे और ग्रुप सी में बंगाल और असम का शामिल होना था। इस प्रस्ताव से कांग्रेस और मुस्लिम लीग असहमत थे। कैबिनेट मिशन राष्ट्रीय अंतरिम सरकार के गठन में विफल रही और 29th ऑफ जून 1946 को वापस चला गया। On the 7th of July 1946, Jawaharlal Nehru, in a speech in the All India Congress Committee, declared, "We are not bound by a single thing except we have decided to go into the Constituent Assembly." After weeks of behind-the-scenes negotiations, Jinnah summoned a meeting of the Muslim League's National Council in Bombay. It was held between the 27th to 29th July, and the decisions taken there changed the political trajectory of India by passing two resolutions. पहले प्रस्ताव ने कैबिनेट मिशन की योजना को खारिज कर दिया। दूसरे ने डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया। The operative part of the second resolution said, "The All India Muslim League is convinced that now the time has come for the Muslim nation to resort to direct action to achieve Pakistan and to assert their rights, to vindicate their honor and to get rid of the present British slavery and the contemplated फ्यूचर ऑफ कास्ट हिंदू डोमिनेशन। गौरतलब है कि डायरेक्ट एक्शन के इस रेजोल्यूशन में कांग्रेस को मुस्लिम लीग ने अपर कास्ट डोमिनेटेड पार्टी के तौर पर पोर्ट्रे किया। टू मेक द डायरेक्ट एक्शन कॉल मोर इफेक्टिव, द मुस्लिम लीग वर्किंग कमिटी आस्क्ड मुस्लिम्स टू सस्पेंड ऑल बिजनेस On the 16th of August, it also asked them to hold public meetings throughout India on subsequent Fridays to explain those two resolutions to the people. आगे बढ़ने से पहले मुझे बंगाल के demographic balance का उल्लेख करना चाहिए। 54% मुसलमान और 44% हिंदू। मुसलमान ज्यादातर पूर्वी भाग में, मतलब ईस्टर्न साइड में, जो आज फिलहाल बांग्लादेश है, वहां सेटल्ड थे। ड्यू टू दिस डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर द ईस्ट प्रोविंशियल मुस्लिम लीग वॉज इन पावर ओनली इन ईस्ट बंगाल। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस वॉज हसन सुरावर्दी। ऑल्दो ही वॉज जिन्नाज राइवल, but Suhrawardi was controversial for his alleged role in the 1943 Bengal famine. Lekin ve Bengal ke bahut musalmanon ke liye hero the, khaskar uttari bharat ke urdu bhashi musalmanon ke liye. North Indian urdu speaking muslims comprise the majority of muslims in Calcutta, and that is where his strength came from for organizing the direct action call or the direct action day. They responded
to this call with tremendous anger. They took the spirit of the resolution to their heart and with great enthusiasm turned out on that particular day. There is still great controversy regarding respective responsibilities of the Hindus and Muslims, especially the individual leaders' role in the carnage. The British consider both communities and their leaders equally responsible. They point to the calculations of leaders and the savagery of the followers. The Congress view is that the blame squarely lies on the Muslim League and Suravarti. The Congress says Suravarti ne Kolkata ke maidan mein ekatrit 1 lakh se zyada jo darshak the unko bataya ki unhone police ko rokne ka upay kar liya hai. Bheed ke logon ko ise loot aur hatya karne ki license ke roop mein interpret kiya. The Muslim League view, which is also shared now by a large number of people in Bangladesh, is that the Congress and Hindus used the opportunity provided by the call for the direct action to teach the Muslims in Calcutta a lesson and to kill them in large numbers. Such jo bhi ho, direct action day ne bade paimane par dange bhadkaye. 1946 के इन कलकत्ता दंगों को ग्रेट कलकत्ता किलिंग के रूप में भी जाना जाता है। ये घटना 4 दिनों तक बड़े पैमाने पर हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे थे। इसके परिणाम स्वरूप 5 से 10 हजार लोगों के बीच में मरने की आशंका है और लगभग 15 हजार से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये पूरा कार्नेज 16 अगस्त से 19th ऑफ अगस्त 1946 के बीच हुआ। ये दंगे शायद 1946-47 का सबसे कुख्यात मैसकर था। ग्रेट कलकत्ता किलिंग अभी भी एक बहुत विवादास्पद एपिसोड है। हत्याओं की मैग्नीट्यूड और विक्टिम्स की identity in terms of religious, the identity of theirs, is par kuch had tak sehmati hai. Halaki mritakon ki sateek aankde abhi bhi uplabdh nahi hai, shayad kabhi ho bhi nahi payenge. The Great Calcutta Killing ke short term sequences par bhi agreement hai, but disagreements remain on the exact chronology of events, the identity of the key provocateurs and the participants and their responsibilities. Long-term rajnitik parinamo par bhi abhi bhi ekmat ya unanimity nahi hai. Much remains unknown about the Great Calcutta Killing. Dango ke baare mein lekin 3 bahut mehatvapurn पॉइंट्स या फिर बिंदु हैं। सबसे पहले हत्याओं की ये जो क्रूरता थी ये अनप्रेसिडेंटेड थी। सेकंड, रेप एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनल वायलेंस वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट सच अ लार्ज स्केल एंड बिकेम अ प्रीकर्सर टू व्हाट फॉलोड एंड बिकेम द नॉर्मल ड्यूरिंग द वेरी अनफॉर्चुनेट चैप्टर ऑफ पार्टीशन रायट्स। ग्रेट कलकत्ता किलिंग का तीसरा बिंदु या पॉइंट, लेकिन इसको अभी भी वेरीफाई करना कठिन है, वो है कि अधिकांश आई विटनेसेस ने कहा था कि हमलावरों में ज्यादातर अंडरवर्ल्ड बहुत हद तक शामिल था और पीड़ितों में गरीब और डिफेंसलेस जनता थी। क्या हुआ और किसने क्या किया, इसका सच क्या है, ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन 16th ऑफ अगस्त 1946 को इतिहास में हमेशा उस दिन की तरह याद किया जाएगा जब ह्यूमन बिहेवियर ने सबसे बुरा और सबसे हिंसक
अपना पक्ष को सामने रखा था। डायरेक्ट एक्शन डे और ग्रेट कैलकटा किलिंग के बाद पार्टीशन बिकेम अ फेट एकम्प्लाई। इन टुडेज एपिसोड दीज टू एपिसोड्स नीड टू बी रीविजिटेड सो दैट वी डू नॉट इनवाइट अनदर वेरी गोरी चैप्टर इन द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू सो मच। नमस्कार। We'll be right back.